डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको लेकर खासकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो फर्क होता है वो आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकली समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज की आप समय जिनको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क नहीं समझ में आता है उसे मैं आपको मैथमेटिकली समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या होता है डिस्प्लेस। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होता है, तो द एक्चुअल पाथ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट समझो, जैसे मैं बोलूं कि अगर आप यहां से शुरू करते हो चलना और यहां तक आप पहुंचते हो तो ए से लेके बी तक के बीच का डिस्टेंस आपको तय करना। सपोज करो कि आपको यहां से जुक्सलाई से बिष्टुपुर जाना है तो ए से लेके बीच तक आपको जाने के लिए आप कौन सा वे चूज करते हो। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप यहां ए से लेके बी तक जाने के लिए आप जो है इस पथ का यूज करते हो तो ये पथ जो आप ए से लेके बी तक पहुंचते हो ये इसका डिस्टेंस होगा। सपोज करो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप जो है 8 किलोमीटर लगता है आपको, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल पथ पोजिशन हो गया और ये इसका फाइनल पोजिशन हो गया और आप यहां से लेके यहां तक के बीच में जो आप डिस्टेंस तय किए वो 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर यहां पे डिस्टेंस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पथ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पथ स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट पथ क्या मतलब, अगर हम ए से लेके बी तक पहुंचना है, जुक्सलाई से बिष्टुपुर पहुंचना है तो मेरा एक तो ये डिस्टेंस हुआ, एक जो होता है आप यहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट पथ है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पथ डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो शॉर्टेस्ट पथ होता है इसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को आप न्यूमेरिकली अगर आप समझना चाहते हो तो क्या होता है, देखो अगर मैं इसको न्यूमेरिकली समझाऊं तो क्या होता है, अगर सपोज करो कि आप इस, अगर मैं इसको डायरेक्शन वाइज समझाता हूं, सपोज करो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ईस्ट की ओर, ठीक है, ईस्ट की ओर मूव करता हो, कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है, चला दिया इसको। अब क्या होता है वो नॉर्थ की ओर डायरेक्शन करता है, तो नॉर्थ की ओर जब डायरेक्शन करता है तो ये 12 किलोमीटर चलता है। तो अब बोलेगा कि इसका डिस्टेंस गेट करो और डिस्प्लेसमेंट गेट करो, तो आप कैसे गेट कर सकते हो, मैंने अभी तुरंत बोला कि मैं इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो एक्चुअल में इसका डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस मतलब वो कितना, मैंने बोला कि द एक्चुअल पथ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इनिशियल पोजिशन से लेके फाइनल पोजिशन के बीच का जो आपका पथ डिस्टेंस होता है, जैसे मैं बोलूं कि तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसके लिए मैं बोलूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 + 12 यानी 17 किलोमीटर, मतलब वो व्यक्ति कितना डिस्टेंस तय किया, तो 5 किलोमीटर + 12 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने 17 किलोमीटर किया। अब यही बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट गेट करो, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट में बोलो तो डिस्प्लेसमेंट इसमें इसके लिए क्या होगा, तभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पथ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। किसी भी दूरी में जब हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट उसका शॉर्टेस्ट पथ हो जाता है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो उसने शॉर्टेस्ट वे मतलब सबसे छोटा रास्ता चूज किया तो वो जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप कैसे गेट, आप बोलो मैं बोलूंगा कि यहां से आकर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप देखो इसको कैसे गेट कर सकते हो, तो
तो ये गेट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम को यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसको जैसे ड्रॉ करते हो तो एक राइट एंगल दिख रहा है आपको। राइट एंगल में आप क्या जानते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। आप बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर डाल दो, बी का स्क्वायर 5 का तो 5 का स्क्वायर डाल दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 169। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट दे दिया तो कितना हो गया स्टूडेंट 13, मतलब 13 किलोमीटर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो 13 किलोमीटर हुआ। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन है, मतलब डिस्टेंस यानी दूरी बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट वो बड़ा है, विस्थापन बड़ा है। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्टेंस को यहां पे दूरी और यहां पे डिस्प्लेसमेंट को मैं विस्थापन लिख देता हूं। तो आप स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत हो रहे हिंदी मीडियम वाला, बहुत हिंदी से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये देखो यहां पे मैं इस चीज को जो बोला कि जो है द शॉर्टेस्ट पथ, तो शॉर्टेस्ट पथ यानी 13 किलोमीटर, मतलब आपने कम समय में ये दूरी। अब बात है कि अब यहां से जुक्सलाई से अब विष्णुपुर जाना है तो आप रास्ता है तो आप उसी रास्ता को चूज करोगे। अब सपोज करो कि इस रास्ता में ये यहां से यहां तक आपको दूरी क्यों तय करना पड़ा, क्योंकि हो सकता है कि इस रास्ता में नदी हो। अब मैं बोलूंगा कि आपको यहां से यहां तक जाने में काफी समय लग रहा है, लेकिन आप शॉर्टेज पथ चूज करना चाहते हो तो नदी को क्रॉस करके एक ही बार अपना इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन पहुंच गए, तो इसमें खतरा भी तो हो सकता है, लेकिन है ये डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज पथ का मतलब ही होता है कि जब आप बहुत कम समय लेते हो किसी चीज को पार करने में। तो यहां पे मैं इसको अगर मैं इसका जो डिफरेंस है इसको मैं अगर पॉइंट दू तो देखो इसको और क्या पॉइंट दे सकता हूं। मैं यहां से इरेज करता हूं ये, है ना, मैं इस चीज को इरेज करके और क्या आप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको और पॉइंट दे देता हूं, दो नंबर की डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है, हो सकता है बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है बराबर, किस केस में हो सकता है बराबर, हो सकता है ऐसे कि हो सकता है कि यहां से लेके यहां तक में कोई बीच में नदी हो ही ना हो। ठीक है, जो मैंने जिसको नदी बोला कि भाई यहां से यहां तक नदी है, तो यहां पे ये इसका डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा और डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉइंट दो तो बोल सकता हूं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं निर्देशा पॉइंट को लेकर। अब देखो स्टूडेंट्स क्या तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब तीसरा पॉइंट होता है कि आखिर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो अब मैं यहां पे एक न्यूमेरिकली आपको समझाने का कोशिश किया। अभी क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो किस प्रकार का डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है या जो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस मेरा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आपको इसको मैं हिंदी में बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं और स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है, और तो आप देखो इसमें क्या डिस्टेंस में डायरेक्शन है, तो हम बोले कि अगर आपको यहां से यहां गया फिर यहां से आया, मतलब कोई पार्टिकुलरली फिक्स डायरेक्शन नहीं, तो डायरेक्शन क्या है, जब डायरेक्शन ना हो तो मेरा स्केलर क्वांटिटी हो जाता, तो ये जो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस वो मेरा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जिसको हिंदी में मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दिशा ना हो वो अदिश होता है। ठीक है, ये अदिश राशि हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखना ये क्या होता है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी याद रहेगा, ये मेरा सदिश राशि। क्यों सदिश राशि हुआ इसको मैं अभी दिखा रहा हूं। इसको अभी देखो मैं बोला कि यहां से यहां तक का जो है ये एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल जो है 13 किलोमीटर है, तो डायरेक्शन होने के कारण ये जो है सदिश राशि हुआ। ठीक है, तो आप इसको अब मैं एक और न्यूमेरिकली इसको आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है,
जितना कोई भी चीज को न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली समझने का कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं न्यूमेरिकली और समझाने का कोशिश करता हूं। आप सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में मैं फिर से थोड़ा डायरेक्शन में घुमाता हूं आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अभी देखो क्या होता है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति सर्वप्रथम क्या होता है कि ईस्ट जाता है, ईस्ट ईस्ट सपोज करो कि वो 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्थ जो होता है वो 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, ये मेरा 12 किलोमीटर चला गया। अभी क्या हुआ कि वो फिर से वो 18 किलोमीटर आ गया, ये मेरा 18 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अभी बोलेगा कि अभी जो है फिर से वो वेस्ट की ओर गया, तो वेस्ट में वो फिर से 5 किलोमीटर चल, यहां पर समय किलोमीटर में मार देता हूं, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा कि भाई और जो मेरा इनिशियल पॉइंट से उसका फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसमें कंफ्यूज होने का आवश्यकता ही नहीं है। डिस्टेंस का मतलब जब हो रहा है तो ये 5 किलोमीटर, तो मैं इसको डिस्टेंस को बताऊं डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर 5 किलोमीटर कंप्लीट जितना डिस्टेंस उसने तय किया वो सारा मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर जितना जोड़ने, तो जोड़ के देखो 5 और 10 10 और ये 12 8 18 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, तो 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बस इतना समझ लो कि जो इनिशियल पथ है और जो फाइनल पथ है, फाइनली पोजिशन और इनिशियल पोजिशन दोनों के बीच का जो दूरी होता है, आखिर उसको यहां से यहां घुमा फिर यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया, आना तो यहीं पे था ना उसको, कहीं भी इतना घूमा इतना घूम के तो उसको आना यहीं पे था, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये 18 तो ये 18 किलोमीटर हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो उसका 18 किलोमीटर होगा, तो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट 18 किलोमीटर, तो ये मेरा 18 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ देता हूं कि हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब एक बार वस्तु अपने जगह से चलना शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ देगा ही, वैल्यू देगा ही, 2 मीटर 5 मीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कोई जरूरी नहीं कि आपको पॉजिटिव ही मिले, वो आपको निगेटिव भी दे सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, याद रखना, विस्थापन मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं एक करके, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फिर से मैथमेटिकली आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको अब डिस्टेंस तो आप अलग अलग तरीके का डिस्टेंस देखिए, अब मैं डिस्टेंस आपको सर्कुलर दिखाऊंगा, एक सर्कुलर पथ मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब मैं एक सर्कुलर पथ ड्रॉ किया, दिखा रहा है, मैंने सर्कुलर पथ ड्रॉ किया। अब ये व्यक्ति यहां से वो क्या करता है कि वो एक कंप्लीट डायरेक्शन पूरा करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा कैसे हमको समझ में आएगा कि कितना डिस्टेंस होगा स्टूडेंट। तो डिस्टेंस गेट करने के लिए सबसे पहले तो यहां पे हो सकता है कि आप बोलोगे सर यहां पे तो आपको रेडियस कुछ होना चाहिए, आर इक्वल टू 7 मीटर या कुछ होना चाहिए, तभी क्या होगा कि क्योंकि इस प्रकार का अगर सर्कुलर पथ हो तो वहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सर्कल का, वृत्त का हम लोग परिधि का यूज करते हैं। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस तय अगर पूछे तो पूरा डिस्टेंस निकालने के मतलब वो व्यक्ति यहां से पूरा यहां चलते 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 फिर से इसी पॉइंट तक आया, ठीक है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज करो यहां पे मैंने इसको 7 मीटर दे दिया, तो इसको मैं अगर 2πr का फॉर्मूला से बनाऊंगा तो 2×22/7 इंटू आर इसका 7 मीटर कटा, यानी 44 मीटर का दूरी तय किया, या मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो मीटर, तो 44 मीटर का तय किया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसी पॉइंट पे आना था, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजिशन में का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो यहां पे इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है। तो मैं बोला कि पांचवा मैं पॉइंट जो देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा,
सॉरी डिस्टेंस मेरा कभी जीरो नहीं होगा, यहां पे पॉइंट आउट कर देता हूं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं है, जो जहां था वहीं पे रह गया, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब इसी में हो सकता है कि आपको यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस बोल दे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे गेट करेंगे, तो हम क्या जानते हैं कंप्लीट सर्किल का जो सर्कमफेरेंस क्या होता है, कंप्लीट सर्किल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो क्यों ये आधा का कितना होगा, तो आधा मतलब इसका आधा कर दो तो 44 का आधा यानी 22, तो ये 22 मीटर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का अगर मेरे को डिस्टेंस बोलेगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 22 मीटर। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे करके डिस्टेंस को तय करना होता है, तो ये मेरा 22 मीटर हो गया। अब हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ऐसा करके होता नहीं, तो ये इसको ऐसे करके छुएगा और ये इसको ऐसे छुएगा, तो ये मेरा 7 है और ये मेरा 7 है, तो टोटल कितना हुआ, ये मेरा 14 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया 14 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो कुछ कंसेप्ट थे जो आपके अभी तक दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होते होंगे, वो इस न्यूमेरिकली क्वेश्चन से आपके क्लियर होंगे। ओके,